आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो 99% हिंदू नहीं जानते होंगे। किसने की थी हिंदू धर्म की स्थापना, कैसे हुआ इसका उदय, ये सभी बातें आज की इस खास वीडियो में आपको जानने और सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इस धर्म में कई ऐसी चीजें हैं जो इसे बाकी धर्मों की तुलना में भिन्न तो बनाती थी, एक ऐसा आधार भी देती है जो इसे मानने वालों को गर्व भी प्रदान करता है। कहते हैं सभी धर्मों में से सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म ही है। सवाल ये उठता है कि इस धर्म के संस्थापक कौन थे। दरअसल दोस्तों, इस धर्म के संस्थापक का पता ही नहीं है। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन था इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, पर इसके प्रचार प्रसार में काफी सारे ऋषि मुनियों और लोगों ने भूमिका निभाई है जिनका जिक्र हिंदू धर्म की कई पुस्तकों में मिलता है। ऋषि अगस्त्य से लेकर वेद व्यास तक, तुलसीदास से लेकर कालिदास तक, साथ ही साथ भगवान शिव से लेकर विष्णु तक, सभी के सभी हिंदू धर्म के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, हिंदू धर्म का कोई एक धर्म शास्त्र नहीं है बल्कि बहुत सारी किताबें मिलकर इसे एक धार्मिक आधार प्रदान करती हैं। वहीं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 90% हिंदू हिंदुस्तान में ही रहते हैं। वहीं दोस्तों, ऋग्वेद का इतिहास लगभग 3800 साल पुराना है जबकि 3500 साल तक इसे केवल मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा। दोस्तों, हिंदू धर्म में 108 नंबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपने अक्सर सुना होगा 108 माला का जाप करो या 108 मंत्रों की शक्ति, आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में 108 को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तभी तो मालाओं में 108 मोती होते हैं जिससे 108 बार ऊपर वाले को याद किया जा सकता है। कहते हैं 108 का नंबर ओम की ध्वनि से ही मिलता जुलता है जो दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। वहीं हिंदू धर्म के सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और साथ ही यहाँ शोक के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म की एक खास बात यह है कि यहाँ पर ऊपर वाले को याद करने के लिए कोई एक खास दिन या समय नहीं होता। जब भी आपका दिल करे आप प्रार्थना कर ऊपर वाले को याद कर सकते हैं या फिर मंदिर में जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, औरत और मर्द दोनों को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है। हिंदू धर्म शायद इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें देवी देवताओं की संख्या समान है। यहाँ पर दोनों ही एक ही श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं, भले ही वो माता दुर्गा हो, भगवान शिव हो, माता पार्वती हो या विष्णु हो, माता लक्ष्मी हो, भगवान ब्रह्मा हो, इंद्र हो या कोई भी हो, सबको बराबरी से देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।